हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, दिस इज़ योर होस्ट राहुल फ्रॉम वीज़ा पैसिफिक अगेन। आज एक और नई सुबह है एंड आज आपको लेके चलते हैं आपके कॉलेज। ये है स्टैनफोर्ड कॉलेज सिंगापुर का। कुछ डिस्कशन भी हम लोग करेंगे इसके बारे में। आई टेल यू कि भाई यहाँ से कितना दूर ये मेट्रो स्टेशन से है। ये रेड हिल मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर मैं अभी हूँ। तो यहाँ से ये कॉलेज की दूरी अबाउट 1 किलोमीटर है और ये इजीएस्ट वे है कम्यूट करने का। मतलब अगर आपको यहाँ पे आना है अपने कॉलेज, तो ये एक इजी तरीका है। रेड हिल एमआरटी हर जगह से कनेक्ट करता है सिंगापुर में। तो फिर आज मैं आपको लेके चलता हूँ कॉलेज एरिया में। तो ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आप बस से भी आ सकते हैं, बट देन बस में आपको काफ़ी स्टॉप्स पे रुकना पड़ता है। ओवर हियर लाइक अराउंड 6-7 स्टॉप्स फ्रॉम एनी वेयर, आप कहीं से भी आ सकते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे और ये भी बताऊँगा स्टैनफोर्ड कॉलेज या फिर कोई भी कॉलेज में पढ़ाई करने क्यों आना चाहिए सिंगापुर में। नॉर्मली सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है वेयर इन लोग ज़्यादा पैसे कमाने आते हैं यहाँ पे, काफ़ी काम करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। यहाँ पे आपको अच्छे पैसे मिल जाते हैं, मंथली सैलरी यहाँ पे अच्छी होती है। नॉर्मली जो प्रोग्राम्स होते हैं कॉलेजेस में वो स्मॉल डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। ये कोर्सेज जनरली 20-30 इयर्स के जो लोग हैं उनके लिए होते हैं। चिल्ड्रन बोलेंगे, मतलब जिसने कंप्लीट किया है 12th, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उसके बाद सिंगापुर आना चाहता है तो कम पैसों में वो सिंगापुर आ सकता है। और उसके अलावा यहाँ पे एक अच्छी लाइफ मिल जाती है आप लोगों को। तो मैं आपको बताऊँगा कॉलेज के फ़ायदे सिंगापुर में। नॉर्मली यहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं वो 1 साल के होते हैं। सो 1 साल के जो कोर्सेज होते हैं उन्हें बोल सकते हैं डिप्लोमा इन इंटरनेशनल रिटेल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंटरनेशनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स, डिप्लोमा इन इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, कुछ इस तरह के कोर्सेज होते हैं यहाँ पे। और क्या होता है कि आप यहाँ पे एक साल के लिए आ रहे हैं तो 6 महीने की आपकी यहाँ पे पढ़ाई होती है और उसके बाद 6 महीने का ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, उसे बोलते हैं OJT। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ्स आप लोग जब यहाँ पे आते हैं तो आपको क्या फ़ायदा है, आप सिंगापुर आके क्या करते हैं, पढ़ाई के अलावा आप कैसे यहाँ पे अर्निंग भी कर सकते हैं अपने डे टू डे एक्सपेंसेस कवर अप करने को। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सिंगापुर में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे कॉलेजेस होते हैं नॉर्मली मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 2 आवर्स या 2.5 आवर्स की क्लासेस होती है। आजकल तो वो क्लासेस ऑफलाइन चल रही हैं, मतलब सॉरी ऑनलाइन चल रही हैं, तो आपको घर पे बैठ के अपना आराम से मोबाइल पे आप अपनी क्लासेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया क्लासेस के बारे में। नॉर्मली जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं तो हम उसे असिस्ट करते हैं अकोमोडेशन के लिए, उन्हें किसी भी तरह की ज़रूरत है तो वो असिस्ट करते हैं उसके बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा कि शाम को लाइक इन द इवनिंग आप कैसे यहाँ पे अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो सुबह आपकी क्लासेस हो गई, नॉर्मली यहाँ पे जो वर्क मिलता है आपको रेस्टोरेंट्स में, टेक अवे में, ऐसी जगहों में आपको यहाँ पे काम मिल जाता है। तो नॉर्मली आपने मान लीजिए अगर आप 5 घंटे यहाँ पे काम करते हैं तो दे पे यू, सो 5 घंटे के दे पे यू अबाउट $60 फॉर 5 आवर्स आप काम करते हैं। नॉर्मली यहाँ पे बच्चे रेस्टोरेंट्स में, रिटेल आउटलेट्स में, 7-Eleven स्टोर्स में उनका पार्ट टाइम जॉब लग जाता है। किसी भी तरह के लिए हम उन्हें असिस्ट करते हैं। क्या होता है कि आपने अगर 1 महीना यहाँ पे काम कर लिया तो यू पीपल आर ईजली अर्निंग अबाउट $1500। आपकी फ़ीस यहाँ पे कॉलेज की $5500 सिंगापुर डॉलर्स है नॉर्मली हर कोर्स की। तो अगर आप $1500 महीना कमा रहे हैं एंड यू आर सेविंग $1000 आउट ऑफ इट, तो आराम से 4-5 महीने में आप अपना पैसा सेव कर लेते हैं यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ पे
पहले 5 महीने में ही अपना जो पढ़ाई का पैसा वो रिकवर कर लेते हैं, उसके बाद 6 महीने कंप्लीट जैसे ही आपके होते हैं तो आपको 6 महीने का और यहाँ पे OJT मिल जाती है, वो कॉलेज ही आपको लगा के देता है, कॉलेज आपके लिए अप्लाई करेगा, पास के लिए आपका OJT लगवाएगा, तो ये कॉलेज ही करता है। कॉलेज के वीज़ा में भी इनफैक्ट 1 ईयर स्टडी प्रोग्राम मेंशन होता है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से है ये सिंगापुर का ही एरिया, ये रेड हिल बोला जाता है इसे। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ आपका कॉलेज। यहाँ पे अगर आपको रोड्स क्रॉस करनी है तो ऐसा कुछ बटन होता है, ये आपको प्रेस करना पड़ेगा, तो ग्रीन सिग्नल पे आप आराम से यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं, तो आपको इनफैक्ट बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। जब आपका कॉलेज ख़त्म हो जाता है, आपकी इंटर्नशिप होती है, तो वो भी आप कोशिश करें कि आपको होटल में मिल जाए। अगर होटल में आपको इंटर्नशिप मिल जाती है तो अर्निंग काफ़ी अच्छी आपको होती है, काफ़ी अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। तो लोग नॉर्मली यहाँ पे होटल में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। सिंगापुर इज़ टोटली बेस्ड ऑन हॉस्पिटैलिटी, यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी का एक अलग ही क्रेज़ है। और 6 महीने कंप्लीट हो गए, 6 महीने आपने इंटर्नशिप कर लिया, इंटर्नशिप में भी मिनिमम सैलरी 1500 to 1800 dollars यहाँ पे देते हैं, और ओवर टाइम एक्स्ट्रा होता है, और अकोमोडेशन बहुत टाइम कंपनी दे देती है, बहुत टाइम आप खुद करते हैं तो दे पे यू फॉर इट, अगर आपको कहीं अकोमोडेशन मिलती है तो। सेकेंडली ये तो हो गया आपका 1 साल का स्टडी वीज़ा, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा उसके बाद क्या होता है। मतलब आपने 1 साल स्टडी वीज़ा कर लिया, हाँ, उसके बाद आप क्या करोगे? नॉर्मली जिस जगह पे आप इंटर्नशिप करते हो वो ही आपका पास कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो एम्प्लॉय के आप पे आप इंटर्नशिप कर रहे हो, कोई भी ये नहीं चाहेगा 6 महीने में किसी को इंटर्नशिप करवा के वापस इंडिया भेज दूँ, तो वो आपको एस पास 2 ईयर्स का जो होता है उसके लिए ऑफर करते हैं। आपने 1 साल ख़त्म किया, आपने फिर एस पास के लिए एम्प्लॉय ने अप्लाई किया और आपको एस पास मिल जाता है। एस पास का मतलब आपकी सैलरी भी रेज हो गई अबाउट 500 to 600 dollars, आपको सैलरी में भी अप्रिसिएशन मिल गया। सेकेंडली आपको 2 ईयर्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। नॉर्मली एस पास में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है या 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 5000 dollars तक आप कमा लेते हैं सिंगापुर में, तो सिंगापुर आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। कोविड की वजह से आजकल नॉर्मली सब कुछ बंद है, सारी कंट्रीज़ बंद है, तो सिंगापुर एक ऐसी ऑप्शन है जो आप यहाँ पे रिग्रेट नहीं करोगे। कभी भी आप सिंगापुर आते हो तो आपको उस चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने यहाँ पे पैसा बर्बाद कर दिया। और हालांकि आपको सेफ एजेंट के साथ, जो ऑथराइज्ड एजेंसी है उनके साथ आपको देखना पड़ेगा कि भाई कौन मेरे को कॉलेज में एडमिशन करवा रहा है। लोग यहाँ पे आपसे कम पैसे लेके आपका कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे, लेकिन आपको बाद में वो फीस पे करनी पड़ेगी। तो बेटर है आप कॉलेज एडमिशन होने के बाद उनसे एक रिसिट मांग लें, वो आपको रिसिट मिल जाए। आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी कोर्स के बारे में, कोई भी और इंक्वायरी है, कोई भी आपको पास के बारे में पूछना है, आपको वर्क परमिट के बारे में पूछना है, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग 16 कॉलेजेस सिंगापुर के जो अच्छे कॉलेजेस में से हैं उनके साथ हमारा टाई अप है, और हमारा एसोसिएट दिल्ली में है, मुंबई में है, एंड देन वी आर बेस्ड इन सिंगापुर। आप सिंगापुर आते हैं तो आपका पिकअप, आपका अकोमोडेशन, आपका कॉलेज का वर्क, ये सब हम आपसे कंप्लीट करवाते हैं। हम आपको बताते हैं कि भाई कैसे आपको ये कंप्लीट करना है। कोई भी A to Z कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड वील शॉली असिस्ट यू। आपको हमारी कंपनी के साथ आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड वी हैव बीन वर्किंग विद द सिंगापुरियंस, इट्स बीन 12 ईयर्स नाउ, 12 साल हो गए हमें काम करते हुए, और हमने काफ़ी काम किया है। छोटे पासेस भी हम कर रहे हैं, 4 मंथ्स के OJT पासेस हैं, जो ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट पास भी बोलते हैं जैसे, वो भी हम करते हैं। इफ़ इन केस आपको उनके लिए भी कॉन्टैक्ट करना है, उसका खर्चा नॉर्मली 130,000 रुपये के आसपास आता है, 130,000, और एयर टिकट भी कंपनी ही प्रोवाइड करता है।
ये 4 months का है, इसके बाद जिस एम्प्लॉय पे आप काम कर रहे हैं वो आपको फर्दर ये 2 years के लिए बढ़ा दे या नहीं बढ़ाए वो उसके ऊपर है। हमने आपको 4 months का जो प्रॉमिस किया है वो हम आपका फुलफ़िल करवाते हैं यहाँ पे। सेकेंडली, जो सिंगापुर की फ़ीस है वो इंडियन मनी में देखा जाए तो अराउंड 3 lakhs के आसपास बैठती है, लेकिन हम आपको $1,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट दिलवा देते हैं। सो यू पे 2,50,000, 2.5 lakh रुपये आपको पे करने होते हैं, और 2.5 lakh पे करने के बाद आपका यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन, ठीक है, आपका पार्ट टाइम वर्क, ठीक है, उसके अलावा आपका 1 month का अकोमोडेशन वो हमारी तरफ से होता है। उसके लिए आपको यहाँ पे आके बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वील टेक केयर ऑफ इट। ये कॉलेज का है, ये है स्टैनफोर्ड कॉलेज, ये लोकेशन है इसकी। अब मैं आपको कॉलेज की बिल्डिंग दिखाता हूँ। आप यहाँ आ जाएंगे तो ऐसे आपको गेट मिलेगा, ये रही कॉलेज की बिल्डिंग। इट्स अ वेरी नाइस कॉलेज, इंटरनेशनल कॉलेज है ये यहाँ पे, एंड ये MOM से, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर और यहाँ की गवर्नमेंट से, CPE से ऑथोराइज है। तो और इनफैक्ट UK से भी एफिलेटेड है ये कॉलेज। आपको यहाँ से माइग्रेट करना है कोई भी और कंट्री तो आप यहाँ से जा सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है स्टैनफोर्ड कॉलेज। मेट्रो स्टेशन से अभी 11 मिनट हुए मुझे चलते हुए, एंड आई एम हियर एट द कॉलेज। इसके बाद मैं आपको कॉलेज भी लेके चलूँगा, अंदर से आपको कॉलेज दिखाऊँगा और क्लासरूम्स दिखाऊँगा, वो मैं आपको सेकेंड वीडियो में दिखाता हूँ। अभी मेरे को थोड़ा पेपर वर्क करना है, फिर मैं आपको कॉलेज दिखाता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। कोई भी आपको बात पूछनी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, एंड हम आपको फॉर श्योर कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन ज़रूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड कमेंट बिलो। थैंक यू।